देखते हैं कुछ नंबर पैटर्न्स। यहाँ हमने 1 से 6 तक गिनती लिखी है। यहाँ पहली संख्या और आखिरी संख्या जो कि है 1 और 6, इन्हें जोड़ने पर हमें मिलता है 7। इसी तरह पैटर्न में 2 और 5 को जोड़ने पर भी हमें 7 मिल रहा है और 3 और 4 को जोड़ने पर भी 7। यही पैटर्न हम अन्य संख्याओं में देखते हैं। जब हम 21 से 26 तक लगातार गिनती लिखते हैं तो यहाँ भी पहली और आखिरी संख्या जो कि है 21 और 26, इसका जोड़ हमें मिलता है 47। और इसी तरह से आगे पैटर्न में जोड़ने पर भी हमें 47 ही प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं इसे इवन नंबर पर। जब हम लगातार इवन नंबर लिखते हैं 2 से 16 तक, तो यहाँ भी हमें पहली और आखिरी संख्या का जोड़ 18 मिलता है, जिस तरह से पैटर्न में अन्य संख्याओं को जोड़ते हुए हमें 18 मिल रहा है। अब देखते हैं 1 से 100 तक गिनती लिखने पर हम इसे कैसे बना पाएंगे। यहाँ हमारी पहली संख्या 1 है और आखिरी संख्या है 100। इसका जोड़ हमें मिलता है 101। और इसी तरह पैटर्न में हम दूसरे जोड़ों का जोड़ करेंगे तो भी हमें 101 ही मिलेगा और इसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम करेंगे नंबर टॉवर। इसमें हम सबसे पहले एडिशन नंबर टॉवर को समझते हैं। सबसे पहले हम नीचे कुछ नंबर लेते हैं और इनका जोड़ इसके ऊपर वाली पट्टी पर इस तरह से करेंगे ताकि एक जोड़ की इमारत बनती जाए। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 4 और 6 आपस में जोड़े में हैं, जिनको जोड़ने पर इसके ऊपर की संख्या यानी 10 हमें प्राप्त हो रही है। इसी तरह हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन नंबर टॉवर। इसमें हम नीचे कुछ संख्या लेते हैं और इसे हम गुणा करते हुए आगे की तरफ बढ़ाते हैं। जैसे 1 और 2 को गुणा करने पर हमें मिलता है 2, इसी तरह 3 और 4 को गुणा करने पर मिलता है 12, और ऐसे ही आगे भी। है ना आसान? तो बताइए, अब इस नंबर टॉवर में आपको मल्टीप्लिकेशन नंबर टॉवर नजर आ रहा है या एडिशन? इसे समझने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 और 8। 4 और 8 को गुणा करने पर आता है 32, लेकिन यहाँ है 12, जो कि 4 और 8 को जमा करने पर आता है। इसका मतलब ये एक एडिशन नंबर टॉवर है। तो सबसे पहले हम नीचे वाली नीली पट्टी पूरी करते हैं तो यहाँ से हमें मिलेगा कि 11 में अगर हम 3 जोड़े तो 14 मिलेंगे, और इसी तरह से हमें ऊपर हरी पट्टी में भी 11 और 8 के जोड़ने पर मिलेगा 19, और इसी तरह से हम ऊपर की पीली पट्टी भी पूरी कर सकते हैं। तो पूरा हो गया हमारा नंबर टॉवर। था ना आसान? चलिए सीखते हैं अब कोड और डीकोड। सबसे पहले नंबर से अल्फाबेट को, क्या आप इसे डिकोड कर सकते हैं? इस तरह के कोड को डिकोड करने के लिए हम हर अल्फाबेट को एक नंबर देते हैं, जैसे A को 1, B को 2 और इसी तरह से 26 तक, क्योंकि अल्फाबेट 26 होते हैं ना। तो चलिए डिकोड करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे 16 के लिए
पी है, 1 के लिए ए, 20 के लिए यहाँ पर टी है, 5 के लिए ई, 18 के लिए आर और 14 के लिए नो। तो इस तरीके से हर नंबर को हम एक अल्फाबेट देते हैं और हमारा डीकोड हो जाता है, जो है पैटर्न। अब हम सीखेंगे अल्फाबेट को नंबर से, क्या आप इसे डीकोड कर सकते हैं? इसका डीकोड है हेलो हाउ आर यू। चलिए इसे समझते हैं कैसे। हमने 26 अल्फाबेट को आधा आधा कर लिया, 13 अल्फाबेट ऊपर लिख दिए हैं और 13 ही नीचे, और इनके स्थान को हमने अदला बदली कर दी है। जैसे हेलो का उदाहरण लेते हैं, एच की जगह पर आ जाएगा यू, ई की जगह पर लिखा जाएगा आर, एल की जगह पर लिखा जाएगा वाई और ओ की जगह पर लिखा जाएगा बी। तो हमारा डीकोड हुआ। अब हम करेंगे अल्फाबेट्स को अल्फाबेट से, क्या आप इसे डीकोड कर पा रहे हैं? ये भी बहुत आसान है। यहाँ हमने हर अल्फाबेट का अगला अल्फाबेट लिया है, जैसे H के बाद आएगा I, K के बाद L, H के बाद I, J, K, D, E, L, M, Z, A, S, T, G, H और R, S. I like maths. आपको पसंद है मैथ्स? तो इसी तरह से आप अपने बहुत से पैटर्न को डीकोड बना सकते हैं। तो बनाते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू।